हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल वेयर ब्यूटीफुल। मैं हूँ नताशा। आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ में मैगी के नए फ्लेवर का रिव्यू एक्सपीरियंस। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू करके बताऊँ। तो सबसे पहले हमने लिया है चटपटा टमाटो फ्लेवर। इसका ये नई वाली मैगी आई हुई है, मैंने आज ही देखी है। और ये मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया था और फिर मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया तो मैंने इसमें बीच में से थोड़ा सा निकाल लिया था। मैंने लिया है ये मैगी का पैक और इसको इस तरीके से खोल दिया। मैगी का पैकेट खोलने का ये तरीका मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से खोल दिया और इसमें डाल दिया। तो सबसे पहली बात जो मुझे इसमें लगी कि ये ना दूसरी वाली मैगी से थोड़ी पतली है, वो थोड़ी मोटी होती है, तो ये नॉर्मली मुझे इसमें लगा। मैंने डाल दिया इसको तोड़ के अच्छे से। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पूरा पूरा खाना चाहते हैं तो आप इसको पूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे शायद मैं प्राइस दिखा रही थी, तो ये डाल दिया मैंने। अब इसको मैंने एक चम्मच, तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच की हेल्प से इसको घुमा लिया है अच्छे से इस तरीके से। और ये है मैगी मसाला। अच्छा, मैं इसका बता दूँ, वो वाला मैगी मसाला जो इसका होता है ना, प्लेन होता है और इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ था अजीब अजीब, तो मैंने इसको अच्छे से डाल लिया है। एक भी दाना मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे जो है इसका मसाला ही अच्छा लगता है, मसाले की वजह से फ्लेवर आता है। तो इसको मैंने जैसे घुमाया तो देखा कि ये थोड़ा रेडिश कलर में आ रहा है। अब टमाटो है तो रेडिश ही आएगा, ऑरेंज तो आएगा नहीं, तो ये थोड़ा इस तरीके से आ रहा है। अच्छे से ऑरेंज लग रहा है बट ये थोड़ा रेडिश सा कलर आ रहा था। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अब मैगी का ये है कि 2 मिनट में बन जाती है, ऐसे दावा करती है, लेकिन कभी आज तक मेरी मैगी कभी 2 मिनट में बनी नहीं है। आपकी मैगी बनी है तो बताना ज़रूर, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे साथ में ऐसा कांड क्यों होता है हमेशा उल्टे सीधे। तो ये मैंने कर दिया 2 मिनट बाद, मैंने इसको फिर देखा था और फिर भी ये ऐसी ही थी। थोड़ा सा पानी इसका उड़ा था। अब उन्होंने कहा था कि खोल के इसको 2 मिनट पकाना है, तो 2 मिनट में तो कच्ची रह जाती, झूठ बोला हुआ था उन्होंने। और मैंने इसको अच्छे से कर दिया है गैस को, थोड़ा फ्लेम बढ़ा के इसको अच्छे से कर दिया। अब ये होने लग रही है। अच्छा, इसमें बोला हुआ था कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी बच जाए ना, उसको आपको इसमें छोड़ देना है और निकालना नहीं है। तो ये मैगी बनाने का सही तरीका होता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालना होता और इसको थोड़ी देर छोड़ के, और 1 मिनट आपको बनाने के बाद में गैस जब बंद करते हो ना, रख देते हैं, तो 1 मिनट बनाने के बाद अगर आप उसको रख देते हो ना, तो फिर ये अच्छे से पानी अंदर सोख लेती है जो बचा हुआ होता है। तो मैंने इसको करने के बाद में यहाँ पर छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद में थोड़ी देर बाद मैं इसको जो है प्लेट में डाल लूँगी। और प्लेट में डालने के बाद में इसका कुछ मतलब इस तरीके से लग रहा है। मैगी खाने के बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस है बताऊँगी मैं आपको, मार्क्स भी दूँगी। नया फ्लेवर है टमाटो वाला, जो कि आपने देख ही लिया होगा। तो पहले मैं मौसम दिखा लेती हूँ। इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरे फ़ोन पे भी यहाँ बारिश आ चुकी है। अभी मैं कमरे के अंदर बैठी हुई हूँ और अभी अभी ये बारिश आई है। हाँ, तो मैगी जो है मुझे तो बहुत पसंद है, बट हमेशा ये नए नए फ्लेवर निकालती है, बट मुझे जो पसंद आता है इसका नॉर्मल वाला ही आता है, जो सबसे स्टार्टिंग से चलता आ रहा है वही पसंद आ रहा है। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि टमाटो वाले जो लेज़ वगैरह होते हैं वो खट्टे से होते हैं और चटपटे होते हैं, तो मुझे इससे भी यही उम्मीद थी, बट ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और ये ना मुझे मतलब थोड़ी अच्छी नहीं लगी है, मुझे फीकी फीकी सी लगी है। मुझे क्या, मेरे पति से अगर मैंने पूछा, मतलब हस्बैंड से पूछा, तो उनको भी ये अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तो बल्कि 2 चम्मच खा के छोड़ ही दी कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो ओवरऑल अगर 10 में से मुझे मार्क्स देने पड़े इसमें, तो मैं 2 ही दूँगी। बच्चों के लिए ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन थी बाद में मुझे इसमें टमाटो वगैरह, मतलब टमाटो केचप और नमकीन वगैरह डाल के खाने पड़े, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस इसमें अच्छा नहीं रहा और मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। तो अगर आपने ये ट्राई की है तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।